गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। हर सेवा युग चार है, गुर सेवा पल एक, ताके पट तर ना तुले, संतन कियो विवेक। अब की बार उबारिए, मेरी अर्जी दीन दयाल हो, आई थी वा देश से भई परदेसन नार, वह मारग मोहे भूल गयो, जासो बिसर गयो निज नाम हो, जुगन जुगन भरमत फिरी, जमके हाथ विकाए, कर जोड़े विनती करूं, मिल बिछड़न नहीं होए हो, विषम नदी विकराल है, मन हट करे आधार, मोह मगर वाके घाट में, जिन खायो सुर नर झार हो। शब्द जहाज कबीर के, सतगुर खेवन हार, कोई कोई हंसा उतरे है, पल में दियो छुड़ाए हो। आपने अभी गुरु कबीर जी की ये विनती सुनी, तो आज का सत्संग शुरू करते हैं गुरु भक्ति पे। सत्संग में हजारों लोग आते हैं, लेकिन उनको सत्संग समझ नहीं आता, क्योंकि वो ये इच्छा ही लेके नहीं आते कि हमें ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान की इच्छा से नहीं आते, वो किसी और इच्छा से आते हैं। तो आज सुख कैसे मिले हमें? कई बार सत्संग मैंने पहले भी दिए, 2-3 सत्संग, सुखी जीवन का रहस्य, लेकिन सुखी जीवन का रहस्य बता दिया, फिर भी हम सुखी नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं, उसका कारण बताऊँगा आज मैं। उसका मेन कारण है कि हम गुरु भक्ति नहीं करते। तो आज के समय में तो ऐसा समय है कि गुरु नाम से ही चिढ़ हो जाती है, क्योंकि गुरु, जो गुरु की क्वालिफिकेशन है वो तो है नहीं। अपने मान बढ़ाई, धन या किसी और स्वार्थ की वजह से गुरुवाई करते हैं, उनकी रेडिएशन सत्संगियों में जाती है, सत्संगियों की रेडिएशन गुरु में आती है, और दोनों डूब जाते हैं। तो इसलिए गुरु की जो महिमा थी या जो गुरु का स्थान था वो गिर गया है। इसलिए गुरु के नाम से साधारण आदमी को चिढ़ हो गई है। फिर भी अब करें क्या, ज्ञान तो किसी जीवित महापुरुष से ही मिलेगा। कबीर जी कहते हैं, गुरु धर्म देत, गुरु अर्थ देत, गुरु काम मोक्ष देने हारे। तो सब कुछ आ गया इसमें तो, और हम तो सुखी नहीं हैं। ये सारी चीज़ें तो बाद की बातें हैं। तो क्या वो गलत बोला है? नहीं, वो बिल्कुल ठीक बोला है। कमी किस में है? कमी शिष्य में है, क्योंकि शिष्य ज्ञान लेने आता ही नहीं। अगर वो इस पर्पज़ से आए तो उसको ज्ञान हो जाए। सत्संग सुनते हैं, फिर घर में जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए कि हम जब जहाँ रह रहे हैं उस स्थिति में खुश रहें। वो कैसे रहेंगे, उसके लिए गुरु भक्ति चाहिए। तो 4 प्रकार की सेवा बताई गई है गुरु की। तन की सेवा, धन की सेवा, मन बुद्धि की सेवा, जिसको गुरु भक्ति भी कहा गया है, और फिर साधन अभ्यास की सेवा। तो सत्संगी आ जाते हैं सत्संग में, और वो बात सुन लेते हैं कि सुरत शब्द योगी सब कुछ है, और हमें जल्दी से ये मिल जाए और हम मोक्ष प्राप्त कर जाएं। और जबकि उनका जो सबसे पहला आधार है संत मत का, सुखी जीवन, वो होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है? गुरु भक्ति नहीं करते हैं। तो और फिर एक तकलीफ़ और आ जाती है कि यह साधन नहीं बनता जी, और पहले जितने दुखी उससे और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये कहते हैं जी, महाराज जी का तो एकदम शब्द खुल गया, हमें कुछ नहीं हुआ अभी इस साल में भी। तो उससे मैं उस भ्रम से निकालना चाह रहा हूँ आज सत्संगियों को, कि भाई पहले अपना जीवन सुखी करो, और सुखी किससे होएगा? गुरु भक्ति से। ऐसे ही ज्ञान नहीं हो जाता है। ज्ञान हो जाएगा तो सुखी हो जाना चाहिए। तो ये जब तक ये सेवा नहीं करेगा, ज्ञान कैसे होगा? जैसे बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाएगा, वहाँ टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वहाँ ठीक से अटेंड नहीं करेगा टीचर के लेक्चर, या अपनी कंसंट्रेशन नहीं रखेगा, या फिर आके होमवर्क नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, सिर्फ स्कूल में एडमिशन ले लेगा, तो कैसे उसको ज्ञान होगा? उसको तो सब्जेक्ट समझ ही नहीं आएगा। यही सत्संगियों के साथ होता है सेम। अगर सत्संगी ठीक से जो संत मत का मार्ग है उस पर नहीं चलेगा, तो उसको ज्ञान कैसे होएगा? और भ्रम में पड़ा रहेगा, और दुखी होएगा कि ना तो मुझे अनुभव हो रहा है, ना ज्ञान हो रहा है, ना सुख हो रहा है, ना शांति हो रही है। तो आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि सुखी जीवन का रहस्य हम बार बार करते तो हैं, लेकिन जीवन सुखी क्यों नहीं होता? इसके लिए गुरु भक्ति करनी ज़रूरी है। तो गुरु भक्ति गुरु सेवा के अंडर में आती है। 4 प्रकार की सेवा है, तन की सेवा,
धन की सेवा, मन बुद्धि की सेवा और साधन अभ्यास की सेवा। तो तन की सेवा हम जब भी करेंगे, जब विश्वास होगा, प्रेम होगा, तो ये संत मत, ये सारा विश्वास का खेल है। अगर विश्वास नहीं तो हम क्यों सेवा करेंगे? और सेवा नहीं करते तो हमें उसके गुण आएंगे ही नहीं, हमारे गाइड के, जो हमारा टीचर है, मास्टर है, गुरु है, उसके गुण कैसे आएंगे? तभी तो हमारा विश्वास बैठेगा जब बार बार जाएंगे, देखेंगे सच्चा है, इनके बताए, इनकी गाइडेंस से, इनके बताए रास्ते से मेरा जीवन ठीक हो रहा है, गाइडेंस भी मिल रही है और मेरे काम भी ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए तन की सेवा इसलिए कराई जाती है कि आप उसके नज़दीक रहेंगे तो आपको उनकी बातें कन्विंस करेंगी, तो आपकी आपका विश्वास बढ़ जाएगा। इसलिए और उसको ज़रूरत थोड़े है तन की सेवा की, सिर्फ इसलिए कि हम सेवा करेंगे तो पास रहेंगे। जैसे पहले संस्कृत में आता था ना कि बूढ़ों की सेवा करने से चार चीज़ें बढ़ती है, आयुर्विद्या, यश और बलम। तो वही है कि जब बड़ों की सेवा करोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि भाई आखिर में आपकी ये स्थिति होनी है, तो आप गलत मार्ग पर नहीं भटकोगे। समझ आ जाएगा कि वृद्धावस्था की ये ऐसी गुरु की सेवा इसलिए कराई जाती है कि उसके पास रहेंगे तो उनकी बातें सुनेंगे, प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और आप फिर आगे की सेवा कर सकोगे। और जब तक विश्वास नहीं है हम उनकी बात को मानेंगे ही नहीं, हमें यकीन ही नहीं होगा, बुद्धि निश्चयात्मक होगी ही नहीं। और सारा खेल ही बुद्धि निश्चयात्मक होने का है, मतलब बात ठुकनी है हमारे मन में, पक्की होनी है, तभी तो हम मानेंगे ना कि हाँ ये बात ऐसे है और ये ऐसे है। और फिर हम पक्के होंगे तभी हम किसी मान लिया सिचुएशन में आगे, और उस टाइम अगर भ्रम की स्थिति में क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो फिर हम डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। और बुद्धि निश्चयात्मक है, बात मन में बैठ गई, पक्की है, तो आप डिसीज़न ले लोगे ये ठीक है। फिर धन की सेवा, तो गुरु को तो धन का कोई भूख होती नहीं है, अगर भूखा है तो वो गुरु नहीं है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। गुरु के पास धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। तो वो आपके धन को किसी भूखे प्यासे, मतलब किसी ज्ञान के चाहने वाले को, किसी दुखिए को आपके थ्रू किताब बटवाएंगे या सत्संग कराएंगे ताकि उसके घर में, उसके मन में शांति आएगी, तो आप शेयर होल्डर हो जाएंगे। अब कई कमी देखते हैं, अरे गुरु तो पैसा लेता है, गुरु ने सिर में मारना पैसा, वो तो सब छोड़े बैठा है, उसको थोड़े पैसा इकट्ठा करना है, और जो इकट्ठे कर रहे हैं गुरु नहीं है, अपनी जगह वो ठीक है लेकिन वो सुख नहीं दे सकते, शांति नहीं दे सकते। सच्चे गुरु को तो आपके परोपकार के लिए काम करना है, गुरु से आज्ञा मिली होती है, वो तो अपना गुरु ऋण उतारता है, उसको कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन जिन जीवों के भाग्य में नहीं है ज्ञान, वो कमी देख लेंगे, अरे ये तो सेवा लेता है गुरु, कैसा गुरु है। जिसको गुरु मानते हो उसको पहले जांच पर रख लो, अपनी जितनी बुद्धि उससे सही जगह जाओ, और सही जगह जाके उसको पूरा मान लो, फिर कमी मत देखो। कमी तो हर इंसान में है, पर इंसान मानोगे तो विश्वास ही नहीं बनेगा। इसीलिए कहा है गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी उसको वो परमात्मा का रूप मान लो, वो है या नहीं है इस चीज़ का तो निर्णय हम कर ही नहीं सकते, इतनी बुद्धि हमारे में होती नहीं, हम तो ज्ञानी जीव हैं, वो तो बाद में पता लगता है, जब हमें ज्ञान हो जाएगा तब हमें पता चलेगा कि गुरु की कितना कितनी कमाई है गुरु की। तो कंजूसी हम पकड़े बैठे रहते हैं धन को, ना तो सेवा करते, ना सत्संग कराते, ना ज्ञान का दान करते, किताबों का। जब कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करोगे मिलेगा क्या इस संसार में, तो इस हाथ से दे उस हाथ से ले ले। हमें अगर माचिस भी एक डब्बी खरीदनी है तो 5 रुपये देने हैं, एक चाय भी पीनी है तो 15 रुपये देने हैं। तो इतना ज्ञान जो आपको जीवन भर सुखी कर दे मुफ्त में कहाँ से मिलेगा? खाला का घर है क्या? तो मुफ्त में चाहते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, कोरे आएंगे कोरे ही जाएंगे, खाली आएंगे खाली ही जाएंगे। गुरु ने अपने लिए थोड़े चाहिए, वो तो आपके हाथ से ज्ञान का दान करा रहे हैं। जब आपको धन का ही मोह नहीं छूटता तो परिवार का, बेटे बेटियों का, जो इतने प्यारे हैं उनका कैसे छूटेगा? तो आपके हाथ से छुड़वा रहे हैं ताकि आपको आदत आ जाए, और जब आप चाहो कि अब मोक्ष मिले, छुटकारा मिले, तब सब छोड़ दो इनको, आपको आदत हो छोड़ने की। तो बहुत गूढ़ रहस्य होता है गुरु के मार्गदर्शन में, संत मत में, उसको समझ ही नहीं पाते, इसलिए वो सत्संग कराते हैं, नहीं उसको क्या ज़रूरत है खर्चा कराने की, इसलिए किताबें बंटवाते हैं। समझते हैं नहीं, अपनी अपनी मन मन की मारते हैं, तो मारे जाओ मन की। मेरे से महाराज जी ने कहा भाई मनोज तू साल में 2 सत्संग कराएगा,
तो मैंने कहा जी दो तो होते ही हैं, तीन भी हो जाते हैं कभी कभी, और आप चाहो तो साल में 8 करो, जितने मर्जी सत्संग करो, मेरे से पूछना नहीं है, आप बस बोलना इस तारीख को सत्संग है। तो ये भाव होना चाहिए। मैं दिया बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे यही नहीं था कि खर्च हो रहा है क्या हो रहा है, इस चीज़ का तो होश ही नहीं था। मुझे तो एक ही बात थी कि ये क्या बता रहे हैं वो समझना है बस। इस वजह से ये धन की सेवा कराई जाती है। एक आपको आदत पड़ जाए धन को छोड़ने की, वो ताकि वो मोह ना रहे मरते समय, और दूसरा आपके हाथ से पुण्य कर्म कराया जाता है ताकि आप बीज बो देंगे तो फल मिलेगा, आपको पेड़ बनेगा, फिर उसका फल खाओगे ना। बीज ही नहीं बोगे तो पेड़ ही नहीं लगेगा, फल ही नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान का दान कराया जाता है, इसलिए कहा ज्ञान का दान सबसे ऊंचा है, क्योंकि ना धन से आपको पूरा सुख मिलेगा, धन से धन का सुख तो मिलेगा, घर से घर का सुख मिलेगा, पूरा सुख तो ज्ञान से ही मिल सकता है। सच्चा सुख जिसको कहा है, सही मायने में शांति जिसको कहा है, कहते हैं ना हर काम में, यह सनातनियों में कहा, शुरुआत में भी आखिर में कहते हैं ओम शांति शांति शांति। तो वो सुख शांति तभी मिलेगी जब आप ज्ञान का दान करोगी। जब तक ज्ञान का दान नहीं करोगी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएगा, कोई गाइड संत सिखाएगा कि भाई ये चार सेवा है। तो इसमें मुख्य सेवा है तीसरी, ये दो तो बता दी, तन की सेवा धन की सेवा, तीसरी है मन बुद्धि की सेवा। ये जब तक कोई नहीं करेगा कोई सुख नहीं मिले। सुखी जीवन का रहस्य बार बार करते रहते हैं, क्यों रहस्य समझ नहीं आता, हम तीसरी सेवा नहीं करते। तीसरी सेवा है दर्शन करे वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने। यानी आप जाओ बार बार दर्शन करो, पुनि वचन पुनि सुने, बार बार उनके वचन सुनो, सुन सुन कर नित मन में गुनो, जितने भी सत्संग सुनो फिर उनको मन में गुनो, उनको समझो क्या कहा, समझ गए। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, आज शादी है जी, आज बर्थडे है जी, आज एनिवर्सरी है जी, आज फ्रेंड के जाना है जी, आज मैं शॉपिंग करनी है जी, आज बच्चे का काम है, आज हॉस्पिटल जाना है, आज ये जाना है, सब दुनियावी कामों के लिए हम बिजी हो गए। तो आपके पास जब टाइम ही नहीं है शिष्य सत्संगी के पास ही, गुरु भक्ति का, तो उसको ज्ञान कहाँ से होगा? स्कूल में कॉलेज में जाएगा ही नहीं तो पढ़ाई कहाँ से आएगी, समझ सब्जेक्ट समझ कैसे आएगा? तो ये कमी होती है, एक तो विश्वास नहीं होता, प्रेम नहीं होता, और सत्संग में जाते भी हैं तो देखा देखी दिखावे के लिए जाते हैं, और वहाँ जाके तो बहुत सख्त कमाई करनी पड़ती है, तो वो करते नहीं हैं, इसीलिए सुखी जीवन का रहस्य समझ ही नहीं आता है। तो आज मैं ये बार बार क्यों आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने दो तीन सत्संग आपको दिए हैं, और फिर अगर वो सुन के समझ नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, इसलिए मैं सब आपके लिए नहीं, मैं ये सबके लिए रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि जो भी सुने उनको समझ आ जाए कि हम सत्संग सुनते हैं और फिर भी जीवन सुखी क्यों नहीं है। आज मैं उस पर कोशिश करूँगा कि वो समझा दूँ कि हम सत्संग सुन के भी सुखी क्यों नहीं होते। तो पूरा सत्संग ध्यान से सुनना। तो तीसरी सेवा सबसे ज़रूरी सेवा है, इसी को गुरु भक्ति कहते हैं। माला पहनाना, कपड़े देना, सेवा देना, ये सेवा ये ज़रूरी है, ये दुनियावी व्यवहार है। इससे पता चलता है कि शिष्य में श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, लेकिन असली गुरु भक्ति है ये, दर्शन करे वचन पुनि सुने। बार बार आप वचन सुनोगी तो आपकी रेडिएशन गुरुजी पे पड़ेंगी, गाइड पे पड़ेंगी, और वो आपको गाइड करते रहेंगे कि अच्छा ये दिक्कत है, इसका ये कारण है, ये इलाज है। बार बार आपके काम की बात निकलेंगी तो आप कन्विंस हो जाओगे कि अच्छा ये समस्या है, और इन्होंने तो बता दिया मेरा जीवन सुखी हो रहा है। तो बार बार सुनने का ये है, और एक बार बार सुनने से वो बात का सार समझ में आ जाता है हमें। एक बार सुन लिए भूल जाएंगे, साइंस प्रूव करती है कि हम जितना सुनते हैं उसका 20% याद रहता है, हमें 80% भूल जाते हैं। इसलिए रिकॉर्ड कराया जाता है कि आप बार 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 सुनोगे। रिकॉर्डिंग में क्या फ़ायदा है कि एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस रिकॉर्ड हो गया। अब सुन रही हो तो उतनी अटेंशन नहीं है कि हर चीज़ को आप कैच कर लो, लेकिन जब इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनोगी तो हर शब्द का मीनिंग समझ में आता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो अब विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो आप घर बैठे बैठे ही वो वचन पुनि सुनो का काम आप घर बैठे बैठे भी कर सकती हो। तो आज के कलयुग में जल्दी ज्ञान इसलिए हो जाता है, पहले सालों साल लग जाते थे गुरु के पास जाते जाते, क्यों कब जाना हो कब सुनना हो, और अब तो आपने सुन लिए 20 50 सौ सैकड़ों हजारों सत्संग हैं,
आप बार बार सुनते रहो, रोज़ नई नई चीज़ समझ में आती जाएगी। तो उससे क्या फ़ायदा होएगा, दर्शन करें, बार बार दर्शन करो, वचन पुनः सुनो, बार बार उसको सुनो, तो वो आपको धीरे 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 ध्यान बनने लग जाएगा। और ध्यान बनेगा जब आप सुनोगे, तो आगे क्या होगा, फिर वचन पुनः सुनो, सुन सुन कर नित मन में गुनो, फिर देखो कि ये क्या बात कही, ये क्या बात कही, क्या कहना चाह रहे हैं, मैसेज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, या मुझे क्या समझना है, मुझे मेरा पर्पज क्या है सत्संग में जाने का, वो पर्पज फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चिंतन मनन करने से आपको लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगा। एक सत्संग को बार बार सुनो, फिर दूसरे को बार बार सुनो, फिर तीसरे को बार बार सुनो, तो आपकी लाइफ के, आपके नेचर के अकॉर्डिंग आपका पर्पज़ क्या है उसके लिए आप अभी आप कह रही थी ना, अब मेरा लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो वो आपको बार बार सत्संग सुनने से लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ जाएगा। तो समझे गुरु भक्ति, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर काड ले सारा, यानी उसका एसेंस निकाल लो, सार निकाल लो कि भाई ये इतने सत्संग हुए उसमें सार क्या है, कि हम सुखी कैसे रहें। अब वो आपको सत्संग समझ में आएगा तभी तो सार निकालोगे ना, जब तक समझ नहीं आएगा सार क्या समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा। जैसे हमें स्कूल में कॉलेज में सिखाया जाता है ना कि आप ये चैप्टर पढ़ो और इसकी समरी लिखो, तो वो समरी क्या होती है, इसका सार होता है। तो वो ऐसे ही है सत्संग में, सत्संग में सबके लिए बातें बताई जाती हैं, हमारे लिए, हमारे नेचर के अकॉर्डिंग, हमारे एनवायरनमेंट, हमारी सिचुएशन के हिसाब से हमारे लिए क्या एप्लीकेबल है वो निकाल लेना है बस। मान लिया मुझे कुछ प्रॉब्लम है, दूसरे को कुछ प्रॉब्लम है, तीसरे को कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें क्या, हमारे जीवन में क्या समस्याएं हैं और हम कैसे सुखी होंगे, हमारे अंदर कौन सी प्रवृत्ति अधिक है, कौन सी दुखी करने वाली प्रवृत्ति है, क्या अवगुण है, उसको दूर कैसे करना है, तो ये सार निकालोगे तब जाके आपका जीवन सुखी होएगा। और ये कब कब सार निकलेगा, जब आप गुरु भक्ति करोगे। दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर काड ले तिस सारा, काड सार करे आहारा। आहार करने का मतलब है अब उसको इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो उस बात को। आपको मान लिया कोई सत्संगी है, उसको समझ आएगा कि मेरा क्रोध का अंग ज़्यादा है, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, उसको समझ आ गया सत्संग में कि भाई गुस्से से आपको दुख होगा, जिसको कहोगे उसको दुख होगा। दूसरे सत्संगी को समझ में आ गया कि भाई मेरे अंदर काम अंग ज़्यादा है। तीसरे सत्संगी को समझ आ गया कि मेरे अंदर मोह का अंग ज़्यादा है। चौथे सत्संगी को समझ आ गया कि मेरे अंदर क्रोध अधिक है, लोभ अधिक है, दो अवगुण हैं ज़्यादा। तो किस हर आदमी में कोई ना कोई अवगुण अधिक होता है और कोई ना कोई गुण भी होते हैं सब में, ये नहीं है कि अवगुण ही अवगुण है, गुण भी होते हैं। तो सत्संग से ये समझ में आएगा मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है और मेरी काइंड ऑफ वीकनेस क्या है। मतलब हमें समझ आ जाएगा कि गुस्सा ज़्यादा है तो गुस्से को कंट्रोल करोगे आप, काम अंग ज़्यादा है तो काम अंग को ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, यानी जो कमी होगी फिर हम उस पर इम्प्लीमेंट करें ज्ञान को उसको, और उसको ठीक करें। कार्ड सार करे हारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई। पुष्ट होने का मतलब एक तो है फिजिकली पुष्ट होना, हेल्दी होना, यहाँ पुष्ट होने का मतलब है कि जब आप अपनी कमियों को दूर कर लोगे सत्संग सुन के, सार समझ के, और उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपका मन मजबूत हो जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगी। यहाँ पुष्ट होने का ये मतलब है कि आपकी विल पावर बढ़ जाएगी कि अच्छा मेरे अंदर क्रोध अधिक था, धीरे 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 प्रैक्टिस करके मैंने क्रोध अंग को काबू कर लिया है, तो आप में हिम्मत आ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी कि देखो गुरु कृपा से मैंने ये क्रोध अंग अधिक था और अब मैं शांत रहता हूँ, तो आप में विल पावर आ जाएगी कि नहीं। फिर दूसरे दूसरे किसी अवगुण पे काम करना शुरू कर दोगे, अरे मैंने ये ठीक कर लिया तो अब दूसरा भी होगा इसका मतलब। तो पुष्ट हुआ भाई, ये पुष्ट होने का मतलब है। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भय भो सब गई नसाई। फिर आपको किस बात का डर, जब हमने अपने अवगुण ही दूर कर लिए, जब हम कोई गलत काम ही नहीं करेंगे तो हमें भय ही नहीं लगेगा। जब हमें पता चल जाएगा कर्म फिलॉसफी का कि ये अच्छे कर्म करेंगे तो सुखी रहेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो दुखी रहेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो सुखी रहेंगे और बुरी सोच रखेंगे तो दुखी रहेंगे, और जब आपको ज्ञान और अज्ञान का पता ही चल गया, विजडम आ गई है, तो फिर आप क्यों दुखी होंगे, दुखी हो ही नहीं सकते।
तो उसमें सुखी जीवन का रहस्य में सारे बताए थे कि किस किस वजह से हम दुखी होते हैं और उसको क्या क्या उसका निदान है, यानी उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, ये बताया था। तो अब उसको समझने के लिए कि हम सुखी जीवन के रहस्य में हमें पता चल गया कि इन इन वजह से हम दुखी हैं और ये इसका सॉल्यूशन है, और फिर सुखी क्यों नहीं होते, इसलिए कि गुरु भक्ति नहीं करते, उस बात को सत्संग को समझते नहीं और अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसको समझ कर इम्प्लीमेंट नहीं करते। और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमें सुख कैसे मिलेगा, अगर डॉक्टर ने दवाई दी हम नहीं खाएंगे तो कैसे ठीक होंगे, समझ गए। इसीलिए जिसके पास समय है वो तो गुरु भक्ति करेगा, जिसको विश्वास है प्रेम है वो गुरु भक्ति करेगा। अब जिसके पास समय ही नहीं है, जो बिजी है अपनी जॉब करता है 8 घंटे, फिर 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का ऑफिस, 10 घंटे, फिर 2 घंटे बच्चों के लिए लगा दिए, 12 घंटे, 1 घंटा फिर एक्सरसाइज करने चला गया, 13 घंटे, 2 घंटे खाना पीना नहाना धोना है, 15 घंटे बचे, क्या 8-9 घंटे बचे, उसमें सोना हो जाता है। तो अगर समय नहीं है तो आपको तीसरी गुरु भक्ति हो ही नहीं सकती, तीसरी सेवा है। और जब तक गुरु भक्ति नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप 100 साल सत्संग सुन लो। अब मैं आपको इसका निचोड़ बता रहा हूँ कि जब तक कोई इंसान प्रेम श्रद्धा विश्वास से भर के गुरु भक्ति नहीं करेगा तब तक उसको सत्संग का सार समझ में नहीं आएगा, चाहे 100 साल सत्संग सुन ले। इसलिए सत्संग सुन के और आप गुरु भक्ति करो कि बार बार दर्शन करो, बात को ठीक से सुनो पूरे ध्यान से, फिर उसको घर में जाके उस पर चिंतन मनन करो, फिर समझो सत्संग को। मान ले नहीं समझ में आया तो फिर सुनो, फिर नहीं समझ में आया फिर सुनो। जब तक आपके जीवन में दुख है तब तक सत्संग सुनते रहो, जब तक जीवन सुखी ना हो जाए सुनते रहो। जिस दिन आपको सार समझ में आ जाएगा तो क्या होगा, सुखी हो गए हो अगर सत्संग का सार समझ में आ गया है, तो जब कोई आपकी दिल दुखाए या कुछ भला बुरा कहे या क्रोध दिलाए तो आप मुस्कुराओगे। ये मेजरमेंट करने का तरीका है कि आपको ज्ञान हो गया है। अब जब विषम परिस्थिति आएंगी और आप मुस्कुरा दोगे तो समझ लो आपको सत्संग का सार समझ में आ गया है। ये प्रवृत्ति मार्ग का है, ये दुनियावी सत्संग बता रहा हूँ मैं आपको, सांसारिक आध्यात्मिक सत्संग तो बाद की बात है। तो ये सबसे ज़रूरी है, इसको कोई समझता ही नहीं है, गुरु भक्ति करते नहीं है, नहीं करे तो हवा खाओ, सुनते रहो सत्संग। कोई गुस्सा करे, कोई बेइज्जती करे, या कोई हम चाहते हैं उसके विपरीत बात हो जाए, हम चाहते हैं प्रॉफिट और लॉस हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई बीमार हो जाए, फिर भी हम मुस्कुरा दें, खुश हो जाएं, मन ही मन में दुखी ना हो, या घबराएं ना, या हाथ पैर ना फूल जाएं। अगर ऐसा है, यानी विषम परिस्थिति में भी खुश रहना आ गया, मुस्कुराना आ गया, तो समझ लो ज्ञान हो गया कि कैसे सुखी रहना है। तो ये रहस्य तब समझ में आएगा गुरु भक्ति जो करेगा। समझ गए आप कि हमें सत्संग क्यों समझ में नहीं आता, हम गुरु भक्ति नहीं करते। अच्छे अच्छे सत्संगी हैं, 20-20, 30-30 साल जाते हैं, सत्संग सुना, मत्था टेका, सेवा दी, घर आ गए, उसके बाद बाढ़ में जाए सत्संग, क्यों, टाइम ही नहीं है, ये एक रीज़न है। दूसरा, वो सोचते हैं कि बस गुरु जी से मिलाए सब कुछ हो गया, वो सुनना ही नहीं चाहते सत्संग को, समझना ही नहीं चाहते। या तीसरा क्या हो सकता है कि उनको धन की इच्छा है, अंधविश्वास है कि गुरु जी के पास जाएंगे बस अब उनके दर्शन हो गए, गुरु जी मैजिक कर देंगे, झाड़ फूक कर देंगे, हमें धन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ये कारण भी हो सकते, बहुत से कारण हैं। तो आप जब ज्ञान लेने की इच्छा से जाएंगे या सुख शांति की इच्छा से सत्संग में जाएंगे और फिर आप समय देंगे, जैसे एक बच्चा स्कूल वर्क करके होमवर्क को टाइम देता है, ट्यूशन भी लगाता है, तो ऐसे उसी इस तरह से हम सत्संग को समय देंगे, किस लिए, कि हमारा जीवन सुखी हो। तो फिर सत्संग बार बार सुनोगे, जब भी टाइम मिलेगा सत्संग सुनोगे। मैं यही करता हूँ, अपना दुनियावी जितने भी ड्यूटी हैं सब करके उसके बाद एक ही चीज़ होती है मुझे कि सत्संग सुनो, और या दूसरा क्या काम होता है, अपने अवगुणों को दूर करो, उसका तरीका है, वो किसी और सत्संग में बता दूंगा। तो बस और कोई वो ही नहीं है, लगन यही लगन है, या तो अपने अवगुण दूर करो या सत्संग सुन के ज्ञान लो, आगे का मार्ग साफ करो। आप कह रही हो ना लाइन ऑफ एक्शन, तो आगे लाइन ऑफ एक्शन मिली हुई है मेरे को, उस पर काम करता रहता हूँ, तभी तो रास्ता तैयार होएगा ना आगे का, खुले अब तभी तो मंजिल पे पहुँचेंगे ना। तो अभी आप आज समझ गई कि हमें सुखी जीवन का रहस्य तो बता दिया,
अब हमें समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि गुरु भक्ति नहीं की। तो गुरु के नाम से चिढ़ते हैं आजकल, तो भाई गुरु मत कहो, तुम गाइड कह लो या ज्ञानी कह लो या हमारा शुभ चिंतक कह लो, जो मर्जी कह लो, नहीं अच्छा लगता। जिसको नहीं लगे तो कम से कम जो अच्छी बात लगे वो तो ले लो। हम नहीं कह रहे हैं कि आप गुरुजी गुरुजी करो, गुरु के नाम से नफरत छोड़ो, आप समझ मिलती है समझ तो ले लो, अच्छी लगे तो ले लो, ना मत लो मत लो। तो मैं ये सब के लिए कह रहा हूँ। तो समझ गए आप सुखी जीवन का रहस्य? बार बार हम सुनते हैं और फिर हम मुस्कुराते क्यों नहीं विषम परिस्थितियों में? क्योंकि हम गुरु भक्ति नहीं करते। गुरु भक्ति आपको बता दिया क्या है, माला पहनाना, कपड़े देना, ये सब अपनी जगह बहुत अच्छा है। इससे पता चलता है कि कितना श्रद्धा भाव है। कई कई आ जाएंगे सत्संग में, कुछ नहीं देंगे, उनको संस्कार ही नहीं है देने का, एक तो बात ये, दूसरा कुछ होगा ही नहीं देने के लिए उसके पास। तो उसको अध्यात्म सिखा के क्या फ़ायदा? उसको तो ये सिखाओ भाई मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, ताकि आपको घर में सुख शांति आए, खाना पीने को, रहने को, पहनने को। तो इससे ये भी पता चलता है कि हाँ सामने वाले की पोजीशन ठीक है। अगर वो बेचारा धन से ही दुखी है तो उसको ये ज्ञान दिया जाएगा कि भाई आप धन कमाइए पहले, अगर ये संसार नहीं बना तो आगे का ज्ञान क्या फ़ायदा। लोक सुखी नहीं है तो परलोक सुहेला कैसे होएगा? तो इस वजह से कई चीज़ें गुरु सब देखता रहता, ऑब्जर्व करता रहता, गाइड इस तभी तो कर पाएगा ना। तो इस वजह से जिसका जीवन सुखी है उसको फिर अगला रास्ता बताया जाएगा। तो गुरु से हम जब बार बार मिलेंगे तो गुरु भी देखता है, रीड करता रहता है कि अच्छा इस जीव के पास इस चीज़ की कमी है तो इसको ऐसे ये रास्ता बताया जाए। और इस जीव के पास सब कुछ है, सब चीज़ों से उपराम हो गया, धन भी है और माया भी है और जो भी चाहिए इसको मिल गया। अब ये चाहता है आगे का रास्ता पता चले मुझे, उसको अध्यात्म का ज्ञान दिया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है, मेन ये पिलर है सुखी जीवन का रहस्य। तो आज मैं चाह रहा था कि क्या रोज़ रोज़ एक ही सत्संग देता है यार सुखी जीवन का रहस्य, तो आज क्या सत्संग दूँ, नया सत्संग दूँ। तो इसीलिए 5 मिनट टाइम लिया मैंने कि आप आज आपको रहस्य बता दूँ कि भाई हमारा जीवन सुखी क्यों नहीं होता, सत्संग सुन के भी हम दुखी क्यों रहते हैं, इस वजह से दुखी रहते हैं गुरु भक्ति नहीं करते। और मैं मेरे से पूछते हैं कई लोग, या मेरी वाइफ से पूछते हैं कई लोग, कितनी देर ध्यान करते हैं ये? वो कहते हैं ध्यान तो करते ही नहीं है। फिर पूछते बैठते हैं ये? नहीं बैठे भी नहीं देखे कभी। तो ध्यान क्या करना है? चलते फिरते ध्यान रहता है, चलते फिरते याद रहती है गुरु जी की सुमिरन है, दिमाग में ये बात बैठ गई कि हाँ ये संत मत है, इसका ये ज्ञान है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इस पे चलना है। तो वो दिमाग में एक ख्याल बैठ जाना ही सुमिरन का सार है। बार ये मुंह से राधा स्वामी, राम 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 राम, या सतनाम श्री वाहेगुरु, ये हैं तरीके मन को ठहराने के। जब मन ज़्यादा चंचल हो जाए, किसी एक थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हों, तो उसको रोकने के लिए ये जरिए हैं, अजपा जाप जाप या जो भी है। तो आज आप गुरु भक्ति की महिमा समझ गई, उसका पर्पज समझ गई, ये है पर्पज। तो गुरु भक्ति से क्या होगा? एक तो हमें सत्संग का सार समझ में आ जाएगा, यानी हमें ज्ञान हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा ये अज्ञान है, ये ज्ञान है, मुझे करना क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं, मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, और मुझे अब किस चीज़ पे कंट्रोल करना है, और मेरी क्या समस्याएं हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। ये सारा सब कुछ समझ में आएगा गुरु भक्ति से। ये सच्ची गुरु भक्ति है कि सत्संग बार बार सुनो, बार बार दर्शन करो। बार बार दर्शन करने से क्या होएगा? वो समता में रहते हैं और उनकी समता आप में रेडिएशन के थ्रू आ जाएगी। जैसे किसी रोगी का रोग लग सकता है, ऐसे ही वो समता, उनकी समता का भाव, वो सुख का भाव हम में आ जाएगा। हम बार बार देखेंगे अरे ये डिस्टर्ब ही नहीं होते, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मस्त रहते हैं। तो वो रेडिएशन हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। वो ये लॉ ऑफ रेडिएशन है कि हम सोचेंगे अरे ये तो हमेशा ही ठीक रहते हैं, गुस्सा भी नहीं करते, मस्ती में रहते हैं, सुखी रहते हैं, समता में रहते हैं। तो वो दर्शन करने से वो समता हम में आ जाएगी। दूसरा, बार बार वचन सुनने से वो ज्ञान समझ में आ जाएगा। और फिर जब उसको समझ के उसमें से असल चीज़ निकाल के उसको इम्प्लीमेंट करोगी तो आपका जीवन ही बन जाएगा। समझ गई? ये अभी ये सीधी भाषा में बता रहा हूँ आपको कि सत्संग को सुनो श्रद्धा विश्वास से, फिर उसमें से उसको बार बार समझो, समझने की कोशिश करो। एक बार नहीं आए कोई बात नहीं, 100 बार समझो,
हर बार नई बात समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि उससे आपका ध्यान बनता जाएगा, एक जगह अटेंशन रुकना सीख जाएगी। अटेंशन रो एक जगह रुकने का मतलब मेडिटेशन हो गया आपका। जब अटेंशन फोकस होने लग जाएगी तब एक एक लाइन में एक एक वर्ड में नई नई चीज़ें समझ में आएंगी। सत्संग में तो जो बोला गया वो बोला गया, एक बार रिकॉर्ड हो गया, लेकिन हमें नई बात क्यों समझ में आती है हर बार? क्योंकि हमारी अटेंशन बढ़ती जाती है, फोकस ऑफ अटेंशन बढ़ता जाता है। तो किसी टाइम तो कोई बात पकड़ लेंगे, अगले टाइम कोई और बात पकड़ लेंगे, इसलिए हमें वो एक ही सत्संग नया नया लगेगा हर बार, नया नया ज्ञान आएगा। इस वजह से ये बार बार सत्संग सुनाया जाता है और इसको संत मत में बोल दिया गुरु भक्ति, ताकि आप बात को सुने, समझें और अपने काम की बात निकाल के काम शुरू कर दें। तो जो ये काम शुरू कर देगा उसको लाइन ऑफ एक्शन मिल गई कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, और ये करूंगा तो दुखी हो जाऊंगा, ये करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। और जब आप समय आए, परिस्थिति आए, और फिर वो बात याद आ जाए आपको, वो गुरु है, वो ज्ञान है, जब वो ऐसा होने लगेगा तब आपका जीवन समता में आ जाएगा। सुख की बात आएगी, सुख की परिस्थिति आएगी तो हमें कोई परवाह ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। जब दुख की घड़ी आए, दुख की परिस्थिति आ जाए, उस समय अगर हम समता में रहें और आप अपना आपा ना खोएं और मुस्कुरा दें, तो समझ लो कि आपको ज्ञान हो गया। तो ये एक दिन का खेल नहीं है, खाला का घर नहीं है, इसमें समय लगता है। पहले तो सत्संग को सुनने में, समझने में ही समय लगता है बहुत, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। फेल होंगे ना हम, अटैम्प्ट करते हैं जैसे एग्ज़ाम में कि मुझे तो 90% लेने हैं, तो कभी 60% आएंगे, कभी 80% आएंगे, कभी फेल हो जाएंगे। तो वो बार बार प्रैक्टिस करी जाएगी। अब मैंने सोचा कि जैसे मान लिया मेरे अंदर क्रोध अंगा दिखा है, सत्संग में सुन के समझ आ गया कि भाई मैं क्रोध बहुत करता हूँ, तो आप जब क्रोध आएगा तब आपको गुरु की बात वो याद आ जाएगी, तो ज्ञान हो गया आपको, और फिर आप उसको कोशिश करोगे तो कभी कंट्रोल कर लोगे, कभी फेल हो जाओगे, यही तो होगा ना। तो फिर बार बार ऐसे करते, प्रैक्टिस करते करते, करत करत अभ्यास के, फिर आप उसमें पक्के हो जाओगे कि अब के तो चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट रिपीट इट। यही होगा ना कि भाई ठीक है, अब के तो 10 मिनट तो मैंने कंट्रोल किया, बाद में उन सामने वाले की रेडिएशन ले ली, मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन अगली बार फिर नहीं करूँगा। तो ऐसे पहले तो थोड़ी देर में विजडम आएगा, फिर थोड़ा जल्दी विजडम आने लगेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इमीडिएट विजडम आ जाएगा, यानी वो परिस्थितियाँ आप पे हावी ना होके आप परिस्थितियों को कंट्रोल कर लोगे। जो कंडीशन सिचुएशन आपके सामने आएगी, आपको तुरंत विवेक हो जाएगा और आप सब बोलने से पहले ही सोचने लग जाओगे कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, और सामने वाला किस स्थिति में है और मैंने क्या करना है। ये गुरु है, ये गुरु भक्ति का फ़ायदा है। और इसी ये जब करेगा, जब तक आपको सुख नहीं जिंदगी में, हमेशा तो सुख रह नहीं सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं हमेशा इस संसार में सुखी रहूं, तो वो भ्रम में है। चाहे संत हो, परम संत हो, महात्मा हो, चाहे साधारण आदमी हो, राष्ट्रपति हो, और चाहे कोई को सेठ हो या कोई हो, हमेशा तो सुख रहेगा नहीं। कारण शरीर है तो बीमार भी रहेगा कभी ना कभी, स्वस्थ भी रहेगा, और कुछ ना कुछ अच्छी घटनाएं भी सुनेंगे, बुरी भी सुनेंगे। व्यापार या जॉब करते तो कभी लॉस भी होएगा, कभी प्रॉफिट भी होएगा। तो ये जब तक हमारी जिंदगी, जो शरीर में हम आए हैं, जिंदगी है, तब तक सुख और दुख आता जाता रहता है। तो उसमें एक तो अज्ञानी तो क्या करता है, सुख में तो भूल जाएगा, उछलेगा, खूब खुश होगा, और दुख में हाय हाय करेगा, रोएगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। इस वजह से जो सत्संग में जाके ज्ञान ले लेता है, उस गुरु भक्ति कर लेता है, उसको पता चल जाएगा कि भाई तेरे जीवन में ये होना था, यानी ये तेरा प्रारब्ध ही ऐसा था, यानी बेटे ने फेल होना ही था, या ये काम होना ही था। तो उसको ज्ञान की वजह से, उस गुरु की, वो जो ज्ञान उस समय याद आ जाए, वो समता में रहेगा, और समता में रहेगा तो हाय हाय नहीं करेगा, उसको सुख से भोग लेगा कर्म को। यानी जो दुख के, कष्ट के समय घड़ी थी, उनको वो ज्ञान से सुख से भोग लेगा। तो ज्ञान का ये फायदा है कि जब आपको सत्संग में जाओगे और गुरु भक्ति करोगे, तो सत्संग का सार समझ में आ जाएगा। सार समझ में आ जाएगा तो आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करते करते आपको ये सिद्धि आ जाएगी कि अच्छा, लॉस हो गया, या कोई घर में चीज़ टूट गई, मान लिया हेल्पर से कोई चीज़ टूट गई, अज्ञानी क्या करेगा, कर दिया नाश तूने, इतने हज़ार की थी, ये थी, वो थी। और जिसको ज्ञान हो गया सत्संग में, कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, वो हो जाता है,
और ले आएंगे, कोई बात नहीं, लगी तो नहीं ना। तो ये फर्क होता है अज्ञानी और ज्ञानी के जीवन में, ये फर्क होता है। विषम परिस्थिति में भी खुश रह लेता है, वो घबराता नहीं है। यही ज्ञान है बस, यही सुखी रहने का तरीका है। तो मैंने आपको सुखी जीवन के रहस्य में बताए थे कि अज्ञान के यही ये कारण है, दुख के यही ये कारण है, और ये इस तरीके से हम सुखी रह सकते हैं। तो क्या क्या बताए थे? एक तो विचार का बताया था, अच्छे विचार रखेंगे तो सुखी रहेंगे और घटिया विचार रखेंगे तो दुखी रहेंगे, ठीक है। फिर क्या बताया था? कि आपको कुछ संस्कार प्रारब्ध से मिले हैं, माँ बाप से, नानी से, दादी से, इधर से कुछ हम इकट्ठे कर लेते हैं, तो उन घटिया विचारों को धीरे धीरे निकाल दो, दिमाग से छोड़ दो, या आएंगे तो उनको माया समझ के छोड़ दो और अच्छे विचार रखो तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन ये बात समझ में आएगी गुरु भक्ति से। फिर आपको बताया था कि प्रारब्ध कर्म का, कि अब जब आपको दुख होना है या किसी जीव को दुख होना है, वो घटना घटनी है, तो जब ज्ञान ही होगा तो घटेगी तो हम दुखी नहीं होंगे, हम समझ लेंगे ये होना ही था। मान ले किसी को लड़की लड़की हो गई दो, वो चाहता है लड़का होए, तो उसके कर्म ही ऐसे थे, उसकी लड़की होनी थी, लड़का नहीं हो रहा। पर कोई चाहती है कि मेरे तो लड़के लड़के हो रहे हैं, लड़की चाहती हूँ लड़की नहीं हो रही है, तो उसके लड़का ये लिखा था भाग्य में, लड़की होनी नहीं थी। या कोई चाहता है मेरे को प्रॉफिट हो और उसको नुकसान हो जाए, तो अगर ये पता हो प्रारब्ध कर्म का कि भाई जो पहले करके आया है उसका फल मिलना ही मिलना है, कहीं कोई टाल नहीं सकता, तो फिर वो ज्ञान हो गया है, गुरु भक्ति कर लिए, तो वो दुखी नहीं होएगा। इतनी सी बात है, लेकिन कब होएगा? जब उसने सत्संग को सुन के और उसका सार निकाल के प्रैक्टिस करके उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, उसको लागू कर लिया जीवन में। अगर सत्संग को बार बार सुन के समझा नहीं है और इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो ज्ञान भूल जाएगा, वो उसको याद नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान को अपना बनाना पड़ता है, किताब में है या गुरु के पास है तो वो तो उनके काम का है। हमारा ज्ञान कब होएगा? जब गुरु भक्ति करेंगे। तो बार 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 आज आपको गुरु भक्ति पे बोला है ताकि हमें सत्संग समझ में आ जाए, ताकि हमारा जीवन सुखी हो जाए। और फिर आपको बताया था ब्रह्मचर्य का, तो सुखी जीवन के रहस्य का जो सार है, मेन मेन पॉइंट, वो बता रहा हूँ। अब हमें पता चल गया कि भाई इसने हमने जो पहले कर लिया सो कर लिया, अब हमने ठीक रहना है। तो अगर बात समझ में आ गई, दिल में पक्की बैठ गई, तो आज थोड़ा आज से शुरू कर दो काबू करना। फेल, कई फेल हो जाते हो, कहते हैं जी मैं तो फिर गिर गया, मैं तो फिर गिर गया। कोई बात नहीं भाई, कम से कम आप चल तो रहे हो, तभी तो गिरे। जो बेचारे उल्टी दिशा में चल रहे हैं और गिर रहे हैं और मरते जा रहे हैं, उनसे तो बेटर हो आप। और प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन कामयाब हो जाओगे। उम्मीद रखो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, आशावादी रहो। निराशावादी क्यों रहते हो? आशावादी रहो कि चलो मैंने इतना इतनी तो कमाई कर ली, इतना तो है कि मेरे अंदर और गिरावट नहीं आ रही है, जितना पहले से गिरा हुआ उतना ही गिरा, तो एक दिन संभल जाओगे। और फिर बार बार जो इसमें तो सत्संग में, इस संत मत में इतनी ताकत है कि जग भय वो सब गई नसाई कह दिया, तो सब भय सब खत्म हो जाएंगे आपके। ज्ञान लेना है और उसको समझना है बस। ब्रह्मचर्य का बता दिया, जो ब्रह्मचर्य में पालन नहीं करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा, तो खून में कमी आ जाएगी, और जिसके खून में कमी है बेचैन रहेगा, दुखी रहेगा। डिटेल में बता रखा आपको, शॉर्ट में अब बता रहा हूँ, इसलिए कि फिर से वो पॉइंट यहाँ पे आ जाए। तो जिसके खून में कमी है वो कुछ कर ले, उसको शांति मिलेगी कहाँ से? शांति ब्रेन फंक्शन करने के लिए कुछ कुछ वाइटल एलिमेंट्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, वो हॉर्मोन्स ही नहीं मिलेंगे तो दिमाग खुश कैसे रहेगा? साइंटिफिकली बता रहा हूँ आपको मैं, कि हमारे ब्लड से कुछ चीज़ें निकल के ब्रेन को फंक्शन करने के लिए वो चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए, वाइटल एलिमेंट्स। वो फिर दिमाग सही फंक्शन करेगा तो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो हॉर्मोन्स निकालते हैं। जब खून में ही कमी है तो वो हॉर्मोन्स बनेंगे नहीं, हम दुखी हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, ज़रा ज़रा सी बात में चिड़चिड़े हो जाएंगे, या जिस चीज़ को, समस्या को हम इजीली सॉल्व कर लेते या उसको एब्जॉर्व कर लेते, सहन कर लेते, नहीं कर पाएंगे, ज़रा सी बात में गुस्सा आ जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। इज्जत करनी चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, यानी पगला जाएगा। तो समझ लो भाई, इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट है ये, तो इस सबसे ज़रूरी है इस पर काम करना। तो एकदम तो छुट्टेगा नहीं, धीरे 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 कोशिश करते जाओ। और फिर रो मत, फेल हो जाओ तो रो मत, धीरे धीरे कोशिश करो। कईयों का ये होता, जी मैं तो करता हूँ पति नहीं करता, और मैं तो करती हूँ पति नहीं करता, और मैं तो करता हूँ पत्नी नहीं मानती। तो कोई बात नहीं, आप कर लो अपने ऊपर कंट्रोल, धीरे धीरे आपकी रेडिएशन और बाकी सदस्यों पे, घर पे आ जाएगी।
अगर एक घर में एक भी अच्छा इंसान हो तो उसकी अच्छाई सब में फैल जाएगी। एक अगरबत्ती घर में जला दो, सारे घर में खुशबू हो जाती है। तो एक इंसान सन्मार्ग पे चलेगा तो विश्वास रखो गुरु पे, बाकी भी सन्मार्ग पे चलेंगे। नहीं चलेंगे तो आपको ज्ञान हो गया, आपको तो क्या व्यय है, हमें तो अपना अपना जीवन सुधारना है। बाकियों के भाग्य में जो लेके आए वो होगा, कुछ तो पिछला भाग्य लेके आए, कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं। तो जो अच्छे कर्म करेगा, अच्छा भाग्य लेके आएगा, उसको अच्छा मार्ग मिल जाएगा। नहीं तो जाओ भाई, तुम पहले ले लो एक्सपीरियंस दुनिया का, फिर आ जाना इधर। तो ये बता दिया, अज्ञान का बताया था कि अज्ञान की वजह से दुखी हैं। तो जब ज्ञान ही हो गया सत्संग में तो फिर किस बात का दुख है। तो ये सुखी जीवन के रहस्य में बताए थे। लेकिन हमें क्यों सुखी सुख नहीं मिलता आज, वो बताया आपको कि हम गुरु भक्ति नहीं करते, हमारे पास समय ही नहीं होता। समय होता है तो हम गाड़ी चलाते हुए सत्संग सुनते हैं, तो उसमें हमारी अटेंशन तो एक ही जगह लग सकती है। हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो 90% तो उसी में, 80% अटेंशन उसी में है। अब सत्संग सुनोगे तो कहाँ समझ में आएगा। मैं तो एक ही सत्संग को 100 बार सुन लेता हूँ और बिल्कुल पूरी अटेंशन से सुनता हूँ, और फिर भी 101वीं बार सुनता हूँ तो कुछ नया समझ में आता है। तो ये नहीं है कि गाड़ी चलाते वक्त ना सुने, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसमें पूरा समझ में नहीं आएगा। कई कहते हैं मैं तो बर्तन साफ करते हुए सुन लेती हूँ सत्संग, तो वो ठीक है, वो ना से तो अच्छा ही है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन जब तक पूरे ध्यान से फुल अटेंशन से नहीं सुनोगे, वो रहस्य समझ में नहीं आएगा। आप बर्तन साफ करते हुए सुनो बहुत अच्छा है, सफाई करते हुए सुनो बहुत अच्छा है, खाना बनाते हुए सुनो वो अच्छा है, और किसी समय सुनो अच्छा है, लेकिन उससे पूरा समझ नहीं आएगा, क्योंकि अटेंशन डिवाइडेड है हमारी। उस काम में भी ध्यान लगा हुआ है और फिर सत्संग भी चल रहा है, तो मेन जो बात हमारे दिमाग में पक्की होनी थी वो पक्की नहीं होती। इसलिए आप ये काम करते हुए सुनो, लेकिन सत्संग सुनने के समय जब आपके पास फुर्सत हो तो फुल अटेंशन से सिर्फ सत्संग सुनने के लिए समय निकालो, ताकि सब तरह से दिमाग, इसके लिए तो कहा है तन गुरु को तन मन धन दे दो, यही कहा है कि जब आप साधन अभ्यास में बैठो या सत्संग सुनो तो उस टाइम तन को भूल जाओ, मन के विचारों को भूल जाओ, इधर उधर मन लगा सब भूल जाओ और धन के विचारों को भूल जाओ। ये नहीं है कि तन भी दे दो गुरु को, धन भी दे दो, उसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप साधन अभ्यास करो या सत्संग सुनो, उस समय ये तन मन धन के विचार भूल के और अपनी अटेंशन अपने ध्यान को एक जगह लगा के और पूरे ध्यान से कोशिश करो सुनने की। तरह तरह के विचार आएंगे, वो सब छोड़ दो विचार और फिर सत्संग सुनो, फिर भी समझ में नहीं आएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा रोज़ का अनुभव है। एक ही सत्संग को 20-20, 30-30, 50-50 बार 9 साल हो गए सुनते हुए, और फिर सुनता हूँ, अरे नई बात बोली आज तो। समझ गए? तो जितना आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, जितना गहरा ध्यान होता जाएगा, उतना सत्संग समझ में आता जाएगा। तो कितना सत्संग सुनो, दिन में 2 बार सुनो कम से कम। और 2 बार नहीं सुनते तो कबीर जी का है ये कि कितनी बार जाएं गुरु के पास, 2 बार जाओ। 2 बार नहीं जा सकते तो 1 बार जाओ दिन में, 1 बार नहीं जा सकते तो हफ्ते में 2 बार जाओ, हफ्ते में 2 बार नहीं जा सकते तो 1 बार जाओ, हफ्ते में 1 बार नहीं जा सकते तो 15 दिन में 1 बार जाओ। ये बताया गया कि कितनी गुरु कबीर जी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। तो ये है कितना सत्संग सुनो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो शांति से पूरे टाइम। तो अभी मैं क्या बात बताना चाह रहा था कि जो लोग काम करते हुए, खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए, गाड़ी चलाते हुए सत्संग सुनते हैं, तो उसमें कुछ समझ में आएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब आप हर चीज़ से फ्री हो गए, अब टाइम है चाहे आधा ही घंटा है, तो आधा घंटा सुन लो सत्संग, लेकिन सिर्फ सत्संग सुनो, तन मन धन के विचारों को भूल जाओ। अगर आपको कोई काम करना है तो काम कर लो आप, सत्संग तो पूरे जीवन का सार है, आपको जीना सिखाएगा, सुख से रहना सिखाएगा और आगे मोक्ष का मार्ग बताएगा। तो उस टाइम तो आप बर्तन साफ कर रही हो, उस टाइम आप सफाई कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो भाई वो काम कर लो, आपके लिए वो काम संसार जरूरी संसार का काम कर लो। ये तो उनके लिए है जो सब हर चीज़ से तृप्त हो गए हैं, राज ऋषियों के लिए ये ज्ञान। तो जब मैं सत्संग सुनता हूँ, उस समय सुनता हूँ कि सब काम से फ्री हो गया, अब ये मेरे पास फ्री टाइम है, इसमें सिर्फ सत्संग सुनना है। तो ऐसा टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में कब आता है। तो जब भी मौका मिले इस भाव से सत्संग सुनाए, काम करते हुए सुनो, कोई हर्ज नहीं है उसमें। एक तो मन टिका रहेगा, एक काम में मन लगा रहेगा, इधर उधर फालतू भटकने से तो अच्छा वो बेटर है,
लेकिन अगर आपको सत्संग का सार गूढ़ रहस्य समझना है तो सत्संग को पूरे ध्यान से तन मन धन को भूल के फिर सुनना पड़ेगा। इतने पापड़ सत्संगी बेल लेगा उसको सार समझ में आएगा और फिर उससे क्या होएगा, उसके दिमाग में वो बातें पक्की बैठ जाएंगी। क्या हो जाएगा, बुद्धि निश्चात्मक हो जाएगी, उसको ये पक्का यकीन हो जाएगा कि ये ज्ञान है ये अज्ञान है, यानी ये काम करूँगा तो ये होने वाला है और ये करूँगा तो ये होने वाला, वो संशय में नहीं रहेगा उसकी। इसको कहते हैं निश्चात्मक बुद्धि, उसको पक्का यकीन हो जाएगा कि ये बार बार वो देखेगा, जब ज्ञान ही समझ में आएगा और जब वो परिस्थिति आएगी वो करेगा, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये करा तो गलत हुआ और ये किया तो ठीक हुआ, ये किया तो दुखी हुआ, ये किया तो सुखी हुआ। तो बुद्धि अपने आप पक्की हो जाएगी, निश्चात्मक हो जाएगी। जब आपने स्कूल में पढ़ लिया 2+2=4, तो अब आपको कोई कितने भी लोग आके कह दें 2+2=5 तो आप नहीं मानोगी, क्योंकि आपको पक्का है दिमाग में ये कि भाई 2 और 2 4 ही होते हैं। तो कोई लाख आदमी भी कहें 2 और 2 5 तो आप नहीं मानोगे। इसलिए सत्संग को बार बार सुन के अगर आपने पक्का कर लिया, बुद्धि निश्चात्मक होगी, तो पूरी दुनिया एक तरफ हो और आप एक तरफ हो तो भी नहीं सुनोगे दूसरों की, तो भी कहोगे नहीं मेरा ज्ञान ठीक है, क्योंकि वो आपका अनुभव होगा फिर। इसलिए ज्ञान को पक्का करना है, बुद्धि को निश्चात्मक करना है। जब तक नहीं होती सारी उम्र सत्संग सुनते रहो, चाहे सुनना ही पड़ेगा। और क्यों सुनना पड़ेगा कि सदा सदा हम बुलन नानक जी कहते हैं, तो रिफ्रेश करना पड़ता है। आप मान लिया आज आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है, 10 साल आप उससे आउट ऑफ टच रहो, भूल जाओगे धीरे धीरे। इसीलिए सब डॉक्टर देखो, इलाज करते रहे, अच्छे डॉक्टर हो साथ साथ पढ़ते भी रहते हैं। वकीलों को देखो, केस लड़ते रहेंगे फिर भी स्टडी करते रहेंगे, क्यों, ताकि वो उनको याद रहे ज्ञान, वो अपने अपने फील्ड का ज्ञान वो फिर पढ़ते रहते हैं साथ साथ। इसीलिए सत्संग को भी, जब आपको पूरा ज्ञान भी हो जाए, सब कुछ आपको अनुभव भी हो जाए, फिर भी आप सत्संग सुनते रहो, क्योंकि सदा सदा हम भूलनहार, हम भूल जाते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, तो सीखते रहो, बार बार सत्संग करते रहो। पता नहीं कब कौन सा प्रारब्ध कर्म आके हमें बुला दे, तो ये कौन याद दिलाएगा, गुरु ज्ञानी तो याद दिलाएगा। कौन सा अशुभ प्रारब्ध कर्म आ जाए और हम ज्ञान को भूल जाएं, तो ये ज्ञान सुनते रहेंगे, इस रास्ते पे चलते रहेंगे, तो फिर हमें वो भटकन नहीं आएगी, फिर हम सही रास्ते पे आ जाएंगे। इसलिए रोज़ रोज़ का सत्संग ज़रूरी है, जिसको सुखी जीवन का रहस्य समझना उसके लिए। और जिसको सिर्फ वैसे सत्संग में हो रहा कि देखा देखी आना है या कोई संसारिक चीज़ चाहिए है, तो उनके लिए विश्वास है, बस विश्वास रखो, मूर्ति में रखो, देवी देवता में रखो या गुरु में रखो, जिसमें मर्जी रखो, उसके काम होते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके संसारिक काम उसके विश्वास से हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान चाहिए, सुख शांति चाहिए, गुरु भक्ति करनी पड़ेगी। और जब गुरु भक्ति करेगा, संसारिक जीवन में सुखी हो जाएगा, लोक सुहेला हो जाएगा, तब आगे की बात करना, तब पर लोक सुहेला होएगा, तब साधन अभ्यास की बात आगे, तब जब त्रिकुटी में ध्यान लगने लग जाएगा कि अच्छा मेरी ये समस्याएं हैं, इनका ये समाधान है, और मैं अब इम्प्लीमेंट करने का काबिल हो गया हूँ, अब आगे का ज्ञान क्या है, आगे का साधन अभ्यास क्या है, आगे की क्वालिफिकेशन क्या है। जब वो क्वालिफिकेशन लेके आओगे, उम्रें बीत जाती हैं, पूरी 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 ज़िंदगी लग जाती है, क्वालिफिकेशन ही नहीं आती लोगों में। वो जो जो कमियाँ हैं वो दूर करेंगे, और अध्यात्म की जो क्वालिफिकेशन है वो लेके आएंगे, तब साधन अभ्यास शुरू करना। यहाँ 2 दिन आए, नाम ले लिया जी, कल से सुमिरन में बैठ गए, तो वो तो नरक है, वो समझ लो जहर है, वो आपको और दुखी कर देगा। समझ गए आप, कब जाके साधन अभ्यास शुरू करना है, ये तब अभ्यास करना है जब आपका जीवन आप संतुष्ट हो गए हो, सुखी रहने लग गए हो, और फिर आपको इच्छा है कि संसारिक सुख तो मैंने ले लिए, इनका सार समझ लिया, रूप समझ लिया संसार का, ये किसी दिन और बताऊँगा सुख क्या है, संसारिक सुख क्या है और आध्यात्मिक सुख क्या है, ये किसी दिन और बताऊंगा। तो जब आपको इस संसार से ये हो जाए कि हाँ मैं हर तरह से संतुष्ट हूँ, फिर आगे का ज्ञान लो आध्यात्म का, फिर जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो समझो, वो क्वालिफिकेशन आ जाए तब ध्यान करना है, उससे पहले नहीं है। तो जो आदमी इस दुनिया में ही दुखी है, जो यहाँ मन में ही समता नहीं है, वो आगे मन के आगे जाएगा ही, जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ध्यान करेगा तो वो जो दुनिया का उसके अंदर भूख है, अभाव है, वो सामने आ जाएगा, और ध्यान बनेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं, करके देख लो। और ज़बरदस्ती करेगा तो माइंड बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वो ध्यान वो कब करना है, जब जब आपको हर तरह से संतुष्टि होगी। नानक जी कहते हैं, नाम मिले तो नानक जीवे,
जब ऐसी स्थिति आ जाए तब ध्यान करना है। अब क्या होता है, सत्संगी सुन लेते हैं जी सुरत सबद योग या अनामी धामी उच्चाय, तो आज ही अनामी में जाना चाहते हैं तो वरम में है, वरम मतलब ज्ञान में है। तो आप समझ गई गुरु भक्ति क्या है, और उसके बगैर कितने ही सत्संग सुन लो कुछ समझ नहीं आने वाला है। इस वजह से ये सबसे ज़रूरी है संत मत में कि आप सत्संग को बार बार सुने, और सुख शांति का पर्पज हो आपका, अवगुणों को दूर करने का पर्पज हो, आपके मन में शांति हो, घर में शांति हो, ये पर्पज हो। ये नहीं है कि मेरे को करोड़ों रुपए आ जाएं, वो चाहते हो तो फिर विश्वास रखो आ जाएंगे वो, जो इच्छा लेके सत्संग में जाओगे पूरी हो जाएगी अगर आपका विश्वास है तो, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई यूँ सोचे कि पेड़ है फल लगे पड़े हैं तोड़ लाएँ, ऐसे नहीं होता। विश्वास है चाहे वो मूर्ति में है या गुरु में है तो आपके संसारिक काम हो जाएंगे, और अगर आप संसारिक दुनिया के चीज़ों से संतुष्ट हैं तो फिर ज्ञान की इच्छा से सत्संग में जाओ, सुख की इच्छा से सत्संग में जाओ, समता की इच्छा से सत्संग में जाओ, फिर वो जब आ जाए तब आगे का रास्ता फिर खोजो। तब तक बात मत करो सुरत शब्द की, प्रकाश की, ध्यान की बात ही मत करो, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही नहीं है हमारी, नाश कर देगा वो तो, पगला देगा दिमाग को, क्योंकि दिमाग में ताकत नहीं है, ताकत तो हमने संसार में लगा रखी है, और ज़बरदस्ती ध्यान करेंगे तो दिमाग फेल हो जाएगा। इसलिए मेरे से पूछते हैं कितनी देर ध्यान करते हो, मैं तो कहता हूँ भाई ध्यान ही ध्यान करता रहता हूँ। क्या ध्यान करता हूँ, कैसे जीवन सुखी हो, कैसे जो क्वालिफिकेशन है मुझे समझ आ गया, ये क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन कैसे अचीव की जाए, तब ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। नानक नदरी नदर निहाल, यानी देखते काम हो जाएगा, क्वालिफाइड है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसको तो अपने आप ध्यान हो जाएगा, ध्यान तो अंदर ही है। मैं बोल पा रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, तो ये ध्यान ही वो अंदर है, सुरत स्पिरिट अंदर है, इसी वजह से तो सब चल रहा जीवन। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है, अरे इसको जो नहीं समझता हवा खाए। तो आप समझ गई, अगर हमें सुखी रहना है तो ये रास्ता है, उसको सत्संग का सार समझ में आएगा, उसका जीवन फिर वो प्रैक्टिस करेगा बार 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 बार, फिर उसको गुरु ज्ञान पक्का हो जाएगा, बुद्धि निश्चयात्मक होएगी, और उसको फिर आगे की इच्छा होगी तो आगे का मार्ग भी मिल जाएगा, और यहाँ सुखी रहना है तो यहाँ सुखी रहेगा। सुखी क्या है, जब सुख हम चाहते हैं जो वो हो जाए तो हम सुखी हैं, जब हम जो चाहते हैं वो ना हो उस टाइम भी स्माइलिंग फेस है, उस टाइम भी हमारी समता नहीं बिगड़ी, वो सुखी है इस संसार में। तो ये कोई आसान खेल नहीं है, कितने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी कभी तो ये लगता था इतना सत्संग सुन लिया फिर गुस्सा आ जाता है, और इतना फाइन फाइन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरे ही पड़े हैं ये काम क्रोध लोभ मोह विकार अज्ञान, कि हमें खुद ही नहीं पता होता कितना फाइन है। तो जैसे जैसे गहराई में उतरेंगे तब समझ में आएगा कि अरे अभी भी यहाँ से सुधार की ज़रूरत है। तो आखिर तक संत कहते हैं, संत जब लग बह करें जब तक पिंजर साथ, यानी जब तक इस बॉडी में है लिविंग है तब तक सावधान रहना हमें, तब तक अपनी सफाई करते रहना है। तो आप समझ गए, बहुत लंबा खींच दिया मैंने, वैसे इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। तो आप समझ गए, सत्संग को बार बार सुन के उसको अपना, उस ज्ञान को अपना बनाना पड़ता है, फिर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जब उस प्रैक्टिस में आप परफेक्ट हो जाओगे यानी आपकी कमांड आ जाएगी तब आपको सुखी रहना आएगा, नहीं तो कितने सुखी जीवन के रहस्य सुनते रहो आप सत्संग, नहीं समझ में आएगा। गुड रहस्य तभी समझ में आएगा जब आप ये काम करोगे। उसके बाद चौथी आती है साधन अभ्यास की सेवा, तो वो जो इस बात के जब योग्य होंगे तो ये सत्संग भी दे देंगे आगे। तो अगले सत्संग में फिर वो सुख दुख की बात करूँगा, जिसमें ये कहते हैं ना कि एक सांसारिक सुख है, एक आध्यात्मिक सुख है, और एक कहते हैं ना सुख दुख से परे एक परम पत्ते सुख रासमाई, तो उस पर बात करेंगे। तो आज का सत्संग काफ़ी है, तो ये है गुरु की महिमा, ज्ञान की महिमा। तो गुरु नाम अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, गाइड कह लो, स्पिरिचुअल गाइड कह लो, मास्टर कह लो, जो आपको कह लो। कुछ नहीं कहना तो भाई ये अच्छा इंसान कह लो, ज्ञान तो इंसान से ही मिलेगा, कौवा भेड़ बकरी तो देने से रही। इसलिए जहाँ आपकी श्रद्धा है वहाँ से ज्ञान लो, किताब से ले लो, यूट्यूब से ले लो, वीडियो सुन के ले लो, जहाँ से मिले। ध्यान किसका करना है, जिसके ध्यान से सुख शांति मिले उसका ध्यान कर लो। संत मत बांधता नहीं है कि इसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो, मेरा ध्यान करना, जिसके ध्यान से आपको शांति मिले उसका ध्यान कर लो, आपके लिए वो गुरु है। जिसके ध्यान से आपका दुख दूर हो जाए, जिसके ध्यान से आप स्माइलिंग फेस हो जाए,
जिसके ध्यान से शांति मिले, समता मिले, आपका जीवन सुखी हो, उसका ध्यान कर लो। बस सीधा सा मार्ग है। कोई कहते हैं जी किसका ध्यान करें, किसका ध्यान करें, कह रहे हैं जी हम तो 30 साल से जा रहे हैं डेरे में। मैंने कहा भाई आप गुरु का ध्यान कर लिया करो। कहते हैं जी दुखी हो जाते हैं तो मैं कह गुरु का ध्यान कर लिया करो, तो कह रहे हो तो करते हैं जी, तो मैं कह फिर तो आपको सुखी होना चाहिए, सुखी इंसान का ध्यान करोगे तो सुखी होना ही चाहिए आपको। फिर कहते जी नहीं होते, तो इसका मतलब या तो आप में कमी है या गुरु में कमी है। तो बिल्कुल आसान सा जवाब मैं दे रहा हूँ कि भाई जिसके ध्यान से आपको सुख शांति समता है उसका ध्यान कर लो, बिल्कुल आसान है। किसका कर लो बस। आप एक मान ले 5 गुरु हैं, आप दुखी हो परेशान हो उस टाइम जिसके ध्यान से आपको शांति मिल गई समझ लो वो आपका गुरु है। काफ़ी है आज जी।